नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। किसान कृषि कानून के विरोध में अब अपनी फसलों को खुद ही नष्ट करने में लगे हुए हैं। उल्लेखनीय है कि गत दिवस किसान नेता राकेश टिकैत ने हिसार में आयोजित महापंचायत में कहा था कि किसान अपनी फसलों को जला दे क्योंकि सरकार 3 कृषि कानूनों के बिल को रद्द करने को तैयार नहीं है। वहीं हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने भी कहा था कि कानूनी नोटिस मिलने के बाद दिल्ली पुलिस के पास मत जाओ और जब पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए आती है तो उन्हें बिठा लो, भाजपा के लोगों को गांव में प्रवेश ना करने दो। इन दोनों नेताओं के बयानों का किसानों पर इतना असर पड़ा कि आज वह अपनी मेहनत से तैयार की गई फसल को बर्बाद करने पर उतारू हो गए और खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलाने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। ऐसा ही मामला हरियाणा के करनाल और जींद जिले से सामने आया है। यहां किसानों ने अपनी मेहनत से तैयार की गई फसल को ट्रैक्टर से रौंद डाला। जानकारी के अनुसार जींद के कुलकानी गांव में किसान ने गेहूं की तैयार फसल पर ट्रैक्टर चलाकर उसे खुद ही बर्बाद कर दिया है। वहीं दूसरी ओर करनाल के मुंडीगढ़ी में भी किसान आंदोलन के समर्थन में भावुक होकर किसान ने अपनी गेहूं की फसल को ट्रैक्टर से खुद ही नष्ट कर दिया। पड़ोसी किसानों ने समझाया भी, लेकिन उसके बावजूद किसान ने अपनी 5 एकड़ की फसल को जमीन के हवाले कर दिया। अब सवाल यह उठता है कि आखिर विरोध का यह कौन सा तरीका है? माना कि किसान ने जिस फसल को नष्ट किया वह उसकी संपत्ति थी, लेकिन क्या इस फसल का उपयोग अकेला किसान करता? फसल उगाने के बाद गेहूं पर देश के नागरिकों का भी हक होता है। आखिर इसलिए तो किसान को अन्नदाता कहा गया है। अब यदि अन्नदाता ही फसल को बर्बाद करेगा तो राकेश टिकैत के आह्वान पर सवाल उठेंगे ही। टिकैत भी जानते हैं कि दिल्ली की सीमाओं पर दिया जा रहा धरना धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। यही वजह है कि स्वयं टिकैत भी दिल्ली को छोड़कर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान तथा अन्य जगहें सभाएं कर रहे हैं। इसी प्रकार से किसान आंदोलन को सक्रिय रखने के लिए कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी यूपी में लगातार किसान सम्मेलन कर रही है तो राहुल गांधी ने 22 फरवरी को केरल में ट्रैक्टर मार्च किया जो राजस्थान के रूपनगढ़ अजमेर में होते हुए ट्रैक्टर मार्च की तर्ज पर था। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी यूपी में लगातार किसान सम्मेलन कर रही है तो राहुल गांधी ने 22 फरवरी को केरल में ट्रैक्टर मार्च किया जो राजस्थान के रूपनगढ़ अजमेर में हुए ट्रैक्टर मार्च की तर्ज पर था। बताते चले कि कांग्रेस शासित राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार ही किसान आंदोलन चला रही है। सीएम गहलोत स्वयं महापंचायतें कर रहे हैं। 27 फरवरी को चित्तौड़ में सीएम की किसान पंचायत होगी। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी यूपी में किसान पंचायतें करेंगे। यानी आने वाले दिनों में किसान आंदोलन में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। वहीं 22 फरवरी को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने एक बार फिर कहा कि जिद के से कोई भी हल नहीं निकलेगा, हल बातचीत से ही निकल सकता है। किसान नेता और किसानों के समर्थन में खड़े राजनीतिक दल यह बताएं कि आखिर कृषि कानूनों में क्या खामियां हैं। ऐसी खामियों को दूर करने के लिए सरकार तैयार है। मेरा नाम साजिद खान, मैं गांव मुंडोगढ़ी का रहने वाला हूं और डिस्ट्रिक्ट मेरे करनाल है। और मैं इसलिए मैंने ये कदम उठाया कि मेरे भाई जो किसान हैं धरने पर बैठे हुए हैं वो बहुत परेशान हैं, सारे देश के किसान परेशान हैं। तो मैंने ये सोचा कि ये तो गलत हो रहा, तो मैंने ये भावुक हो गया, ये कदम उठाया है और मैं इस पर मेरा मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैंने ये जो कदम उठाया है, जो नुकसान किया है, मुझे बिल्कुल इत्मीनान है। मैंने अपने किसान भाइयों के लिए किया है और मैं आगे भी कोई अपने भाई किसानों के लिए कोई ऐसी बात होगी तो मैं उसमें भी तैयार हूँ। आगे भी कोई दिक्कत नहीं हो, कोई भी कदम उठा सकता हूँ अपने भाई किसानों के लिए। तो कितने एकड़ फसल आपने भाई अभी? मैंने 5 एकड़ बार दी। क्या नाम आपका? मेरा नाम साजिद खान है। आपका गांव और क्या किसान के सर? हमारा गांव मुंडोगढ़ी है जी, जिला करनाल हरियाणा। और ये भाई है जी साजिद खान, इसका नाम है जी। हमने समझाया बड़ा जी, सुबह भी जी इसके लिए हम ट्रैक्टर बाड़े ऐसे ले आए जी, तो हम तभी आ गए थे जी। हमने फिर भी डा साहब को फ़ोन कराया जी,
तो उस तो बाद हमने समझाया मानिया कोई नहीं जी, फिर आगे चलता 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 यहाँ तक यहाँ आने रोक दिया चौथे किले में जी। तो फिर घर चले गया खाना खान नाने नूने, बाकी भी तो हमने जैसा समझाया जी, देखो जी अगर मैं जगह जी आपकी सामने की बात होगी। कितने एकड़ फसल पे? 5 एकड़ है जी, 4 एकड़ तो बह दी जी पूरी, और 5 एकड़ ही हुआ जी उन्होंने ट्रैक्टर चला रहे किसान आंदोलन को लेकर ही। किसान आंदोलन को लेकर ही है सारा, जितना भी विरोध कराया सर किसान आंदोलन को लेकर ही कराया जी, जो वहाँ अपने जिम्मेदार भाई हैं जो उनसे 200 के करीब तो वहाँ शहीद हो गए जी। तो बड़े बुढ़े आपने समझाया भी ऐसा ना करें? समझाया तो है, फिर उसकी खुद की अपनी मर्जी है, नहीं मान्या जी पहले किले में जी नारायण घर रोबाड़ी मैंने रुकिया भी मान्या कोई नहीं जी। तो थोड़ा ही टाइम रह गया था तो फसल कटने का, बस अप्रैल में कट जाती जी, 3-4 अप्रैल में कट जाती है, अब मार्च पूरा टोटल मार्च लगता बस। तो किसान का खर्चा जितना होता है वो तो लगभग पूरा हो ही चुका है, इस पे खर्चा जितना होना था खर्चा तो टोटल हो गया जी सारा कुछ भी नहीं, अब तो बस 1 महीना बाद इसको कटने का नंबर था बस जी, और खर्चा तो 1 रुपये का भी नहीं था ऊपर इस पर जी, खर्चा नहीं था कुछ भी। क्या नाम आपका? मेरा वाजिद अली है जी। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।